हाय, आज स्टैट्स में मैं आपको थर्ड चैप्टर यानी ग्राफ एंड डायग्राम के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन आज आपको सिर्फ उसमें से एक हिस्से के बारे में जो है वो बताऊंगा कि वो ग्राफ को कैसे जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन सबसे पहले शुरू करने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि हम ग्राफ को क्यों स्टेप्स में शामिल करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, वो ये कि अगर हम ये कहते हैं कि कुछ किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं या उस कंपनी की इंफॉर्मेशन जमा करके उसको एक किताबी शक्ल में लेकर जाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, और हम लेकर जब जाते हैं हम ये कहते हैं कि भाई बॉस के पास, सर ये मैंने आपकी कंपनी का टर्नओवर के लिए काम किया है। तो ऐसी सूरत में जब बॉस काम देखेगा तो आज के लोगों की फितरत क्या है, वो कभी भी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप वो बुक हमें दे दें, साइड पे रखते हैं टेबल के, आप जाएं हम पढ़ के आपको बता देंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमें इस चीज से बचा सकती है और शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करके दे सकती है, और वो है ग्राफ। अगर हम सपोज एक ग्राफ का टर्न आउट बना ले और उस टर्न आउट पे पूरे ग्राफ को सिर्फ कहते सर आपके 2 मिनट चाहिए एक ग्राफ देख लें, तो ग्राफ देखते साथ ही वो एक अंदाजे के मुताबिक ग्राफ की शेप देख के बता देगा कि आपका ओवरऑल टर्न आउट क्या है। ये वजह है जिसकी वजह से स्टैट्स में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को इंतहाई अहमियत है। अब यहां पर बात आती है कि ग्राफ एंड डायग्राम में मैं आज आपको सिखाऊंगा हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम के लिए बैक पे जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है, और हमें थर्ड मालूम करनी है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री कैसे मालूम करते हैं यह मैंने अपने लास्ट प्रीवियस जो है वो लेक्चर में आपको बताया था। वो ये है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां पर नंबर है 3 और 4, दोनों के दरमियान 1 नंबर का डिफरेंस है। अगर इस 1 नंबर के डिफरेंस को हम 2 से डिवाइड करें क्योंकि 2 नंबर है, तो हमारे पास आता है 0.5। अगर इस 0.5 को लोअर क्लास से माइनस और अपर क्लास से प्लस करते जाएंगे तो जो हमें मिलेगा वो हमारे पास क्लास बाउंड्री होगी। फॉर एग्जांपल ये 2 है, 2 माइनस 0.5 तो ये आ जाएगा 1.5, और 3 में प्लस कर देंगे 0.5 तो 3.5, 4 में 3.5 माइनस कर दिया 0.5, 5 में प्लस कर दिया तो ये हो गया 5.5, 6 में 0.5 माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 5.5, 10 7 में 0.5 माइनस प्लस किया तो 7.5, 8 में 0.5 माइनस किया तो 7.5, 9 में 0.5 प्लस किया तो 9.5, 10 में 0.5 माइनस किया तो 9.5, एंड 11 में 0.5 प्लस किया तो 11.5। यू क्लास बाउंड्री आ गई। अब आपको यहां पर एक चीज देखनी है, वो ये कि जो यहां पर जो एक 1 नंबर का डिफरेंस था वो यहां पर खत्म हो गया। अब इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। हमारे पास कई डेटा ऐसे भी होते हैं जिसमें ये डिफरेंस डेटा में ही क्वेश्चन में नहीं होता, तो ऐसी सूरत में कभी भी हम क्लास बाउंड्री को नहीं बनाएंगे। अगर ये डिफरेंस होगा तो क्लास बाउंड्री बनेगी। अब यहां पर क्लास बाउंड्री बन चुकी है, अब बात आती है कि इसको हमें ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करना है। हम वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब y एक्सिस पे हमने रखा है फ्रीक्वेंसी को, और x एक्सिस पे रखा है क्लास बाउंड्री को, और y एक्सिस पे रखा है हमने फ्रीक्वेंसी को। अब क्लास बाउंड्री को कैसे रखेंगे, 1.5 से स्टार्ट करेंगे और 3.5, 5.5, 7.5, 9.5 और 11.5 को हमने लाइन से लिख दिया है। अब ये हिस्टोग्राम बनाने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें एक चीज आपको देखनी है, वो ये है कि अगर
1.5 से 3.5 के दरमियान आपके पास वन फ्रीक्वेंसी है। तो हम ये देखेंगे कि 1.5 से 3.5 के दरमियान वन आपके पास यहाँ पे आ रहा है, सेकेंड है 3.5 से 5.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी है 3, तो 3.5 से 5.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। अब आपको पता है एक चीज का, यहां पे फ्रीक्वेंसी 3 कहां पर है, यहां पर है। और ये फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 3। अब यहां पर देखिए 5.5 से 7.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 5.5 से 7.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी है आपके पास 5, तो हम इसको यहां से ले जाएंगे 5 तक। ये देखें 5 पूरा आपके पास यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, आपके पास स्केल होगा तो आप आसानी से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। अब थर्ड वन है आपका, फोर्थ वन है 7.5 से 9.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 7.5 से 9.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये 4 तक जाएगी आपके पास। ये 4 है तो इसी को सामने देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 4। अब 9.5 से 11.5 के दरमियान आपके पास फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 9.5 से 11.5 के दरमियान आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। और यूं ये हिस्टोग्राम जो है वो आपके पास जो रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम है वो आपके पास हासिल हो गया, जो बना दिया गया जो रिक्वायर्ड था। अब आपके ऊपर है, आप इसके ऊपर जो है वो इस तरह की लाइंस लगा के या डिफरेंट कलर करके इसको और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, और अगर डिफरेंट कलर्स करेंगे तो ये और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और चेक करने वाला जो है वो आपको ना काटने के बराबर आपके नंबर को डिडक्ट करेगा और आपके सवाल जो है वो इजीली फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि जब हमारे पास ये हिस्टोग्राम का फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपके पास इन दोनों के दरमियान यानी क्लास इंटरवल के दरमियान वन नंबर का डिस्टेंस था, अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो किस तरह जो है वो ग्राफ की वो प्रेजेंट किया जाता है और इस तरह बनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए